हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो होने वाला है एक नए फोन के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है बहुत ही सही प्राइस पे। और ये फोन कोई ऐसा वैसा फोन नहीं है, ये फोन अपने आप में एक डिफरेंट फोन है क्योंकि ये एक स्टाइलस वाला फोन है। जी हाँ, इसके अंदर आपको एक इंटेलिजेंट स्टाइलस मिल जाता है जिसको आप बोलते हैं एक्स पेन। और इस फोन के अंदर बहुत सी अच्छी बातें हैं और कुछ कमियां भी हैं, वो सब चीजें आपको पता चलेंगी इस वीडियो के अंदर, तो देखते रहिए। और शुरुआत करते हैं इसके फीचर रिव्यू को और बात करते हैं इसकी कुछ अच्छी बातों के बारे में। सबसे पहली जो चीज है जो इस फोन के बारे में मुझे इंप्रेसिव लगी वो है यूनिबॉडी मेटल डिजाइन। ये फोन एक ऐसा फोन है जो कि पूरा मेटल डिजाइन वाला फोन है, यानी कि आपको पीछे की तरफ पूरा मेटल मिलता है। लुक एंड फील में भी काफी शानदार ये लगता है और यहाँ पे एंटीना बैंड्स आपको ऊपर और नीचे की तरफ मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली अच्छी इंप्रेसिव लुक के साथ साथ एक स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये फोन आता है और डिजाइन यहाँ पे काफी अच्छा देखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी इस फोन के अंदर अच्छा है और यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। ये नॉच वाला डिस्प्ले नहीं है, तो ऐसे में अगर आपको नॉच पसंद नहीं है तो आपको ये डिस्प्ले काफी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, उसके साथ आपको सेल्फी फ्लैश भी मिल रही है। रियर कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और यहां पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। साथ ही साथ इस फोन का जो डिस्प्ले है वो एक FHD+ IPS डिस्प्ले है। डिस्प्ले के कलर्स काफी बढ़िया है, व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं और आउटडोर विजिबिलिटी में भी कहीं कोई कमी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रीमियम लेवल का डिस्प्ले भी आपको इस फोन में मिल जाता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर यहाँ पे अच्छा पावरफुल है। ये है मीडियाटेक का P23 वाला ऑक्टाकोर CPU जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। नॉर्मली 4000 mAh बैटरी वाले फोन जो मार्केट में देखे गए हैं उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर ही मिल जाता है। इसका मतलब है कि 4000 mAh वाला बैटरी वाला फोन आप फास्ट चार्ज भी फटाफट जो है कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली बड़ी बैटरी वाले फोन में फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है जो कि यहाँ पे दी गई है। अब मैं बताता हूं यहां पे एक और अच्छी चीज जो कि इस फोन को काफी डिफरेंट बना देती है बाकी और कंपटीशन के फोन से। तो 16000 रुपए के फोन के अंदर इसमें आपको मिलता है ये इंटेलिजेंट एक्स पेन और इसमें मिलते हैं आपको 4096 प्रेशर सेंसिटिव पॉइंट्स, जिसकी वजह से काफी प्रिसाइज हो जाता है। कुछ इतने ही प्रेशर सेंसिटिव पॉइंट्स आपको मिलते हैं स्टाइलस में जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के फोन में आता है जो कि तकरीबन 80000 रुपए का है और यहां पे ये फोन कितना कम है उसके प्राइस में आप खुद ही देख सकते हैं। इस स्टाइलस पे जो बटन दिया गया है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एक्स पेन मेन्यू आपका किसी भी विंडो से खुल जाता है। उसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। साथ ही साथ जब आप डबल क्लिक करेंगे बटन को तो न्यू मेमो खुल जाएगा, यानी कि अगर आपको कोई न्यू मेमो लेना है, कुछ लिखना है, फटाफट कुछ नोट करना है, तो वो भी चीज आप कर सकते हैं और उसके लिए आपको डबल क्लिक करने की जरूरत है। अगर आप बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इरेजर और पेन ब्रश में आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ड्रॉइंग कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, तो उस केस में ये फंक्शनैलिटी काफी अच्छे से काम आती है जब भी आपको क्विकली कुछ इरेज करना है। साथ ही साथ एक और सिनेरियो है जब आपको फटाफट नोट्स लेने हैं और वो चीज डेफिनेटली डे टू डे यूसेज में देखने को मिलती है, जब आपको किसी का फोन नंबर नोट करना है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, आपको ये सब क्विकली करना होता है, तो इस केस में जैसे ही आप एक्स पेन को फोन में से बाहर निकालते हैं तो वैसे ही स्क्रीन पे आप नोट ले सकते हैं और कुछ भी फटाफट लिख के उसको सेव कर सकते हैं। एक और फंक्शनैलिटी है डूडल फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप फोन में जाके किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके ऊपर डूडल कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो बेसिकली लिख सकते हैं और वो करने के बाद आप उसे आराम से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर सकते हैं। एक कमाल की चीज यहाँ पे इस फोन में देखने को मिली है वो है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, यानी कि अगर आप कुछ भी लिखेंगे स्क्रीन पे तो ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और ये चीज डेफिनेटली काफी यूनिक फीचर है इस फोन के ऊपर। एक और चीज जो कि इस फोन की यूनिक फंक्शनैलिटी है वो है यहाँ पे कैलकुलेट फीचर और ये फीचर चल जाता है स्टाइलस के थ्रू, यानी कि स्टाइलस के थ्रू अगर आपने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला स्क्रीन पे लिख दिया तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है उसको टेक्स्ट में और साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। पेंटिंग की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको पेंटिंग टूल मिलता है जिसमें अलग अलग तरह के ब्रशेस मिल जाते हैं जिनके बीच में आप टॉगल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कलर्स हैं, पूरा स्पेक्ट्रम आपको वहां पे मिल जाता है, तो अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको कुछ पेंट करना है फोन पे तो वो बेसिकली आप कर सकते हैं और अपने फोन को ही आप यहाँ पे कैनवस बना के अच्छी सी पेंटिंग जो है यहाँ पे बना सकते हैं। अब एक और चीज बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई इस तरह के फोन के अंदर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारा ब्लॉटवेयर होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन्फिनिक्स ने इस फोन के अंदर दिया है स्टॉक एंड्रॉइड 1 यहाँ पे
ओरियो 8.1 मिल रहा है जो कि काफी स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है, ऐप लॉन्च की स्पीड फास्ट है और कहीं कोई ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत ही अच्छी मल्टीटास्किंग आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। मल्टीटास्किंग के लिए रैम भी अच्छी खासी दी गई है, 4 GB की रैम आपको फोन में मिल जाती है जिससे आप स्मूथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा 64 GB की स्टोरेज भी मिल जाती है, तो स्टोरेज और रैम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें पबजी गेमिंग की तो पबजी भी यहाँ पे आराम से स्मूथली चल जाता है। हार्डवेयर पूरा कैपेबल है पबजी को अच्छे से चलाने में, ग्राफिक्स वगैरह आराम से रेंडर होते हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत गेमिंग में नहीं आती है, चाहे वो हेवी गेमिंग करें या फिर अगर आप लाइट गेमिंग करें। बैटरी बैकअप की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे आराम से आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप पावर यूजर हैं तो 1 दिन तो आपका फोन चल ही जाएगा और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग के होने की वजह से आप इस फोन को फटाफट चार्ज कर सकते हैं तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा यहाँ पे है 16 MP का AI कैमरा जो कि रियर में दिया गया है जिससे आप अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं डेलाइट में और साथ ही साथ अच्छी क्लैरिटी भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अगर आप इंडोर फोटोज की बात करें तो इंडोर सेल्फी भी आप सेल्फी फ्लैश की वजह से बेहतर ले सकते हैं, तो यहाँ पे सेल्फी फ्लैश दी गई है। साथ ही साथ 16 MP का रियर कैमरा है जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आता है, यानी कि आपको लो लाइट फोटोज काफी अच्छी मिल जाती है। तो ये थी इस फोन की अच्छी चीजें। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं है और वो है यहाँ पे हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है यानी कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप डुअल सिम और साथ साथ SD कार्ड यूज करना चाहते हैं तो उस केस में आप नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि एक सिम कार्ड लगेगा और एक माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड लगेगा अगर आपको मेमोरी कार्ड यूज करना है। अगर नहीं करना है तो उस केस में आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से था यहाँ पे इसका रिव्यू जो कि इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलस फोन है और यहाँ पे ये डेफिनेटली एक स्टाइल वाला फोन है, एक अच्छी लुक वाला फोन है। ये फोन आपको किसी भी और 16000 रुपए के फोन से ज्यादा फंक्शनलिटी और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों के क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इस फोन के बारे में, लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अब बताते हैं सरप्राइज, और सरप्राइज ये है कि ये फोन हम गिव अवे कर रहे हैं, यानी कि आप लोग ये फोन जीत सकते हैं अगर आप चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को करते हैं लाइक और साथ ही साथ छोड़ते हैं नीचे एक कमेंट कि आपको इस फोन में क्या अच्छा लगता है। और अगेन यहाँ पे फोन के बारे में लिखिएगा क्योंकि ऐसे ही कमेंट को हम विनर बनाएंगे और इस तरह से हम एक रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू विनर निकाल देंगे बहुत जल्द। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।